असफलता के रास्ते पे ही तुम्हें सफलता मिलेगी। इसलिए कभी भी गलतियां करने से मत डरो। जब भी आपको असफलता मिलती है तो या तो तुम्हें निराशा आत लगती है या उससे सीख मिलती है। और निरंतर और नियमित रूप से सफल सही दिशा में प्रयास करते रहोगे तो सफलता स्वाभाविक है। इसलिए गलतियां करने से कभी मत डरो। रिस्क दोनों कंडीशन में कामयाब है। जब रिस्क कामयाब होता है तो आप बहुत ऊपर चले जाते हो, और जब रिस्क में फेल होते हो तो अपने साथियों को, संबंधियों को, अपने छोटे भाइयों को, अपने परिवार वालों को आप सीख देते हैं। आप उन्हें सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू फेल या इफ यू लॉस यू कैन गाइड। आज हमारी दिल्ली पुलिस की नेक्स्ट क्लास है। घड़ी की एक क्लास हमने पढ़ ली है, बेसिक घड़ी से संबंधित सेकंड क्लास है। देखो, एक तो बोलते हैं विपरीत दिशा, एक होती है विपरीत दिशा, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होती है एक ही दिशा, और विपरीत दिशा और एक ही दिशा, एक ही दिशा को अति व्यापन बोलते हैं, ठीक है, इसको आच्छादन बोलते हैं एसएससी की भाषा में, इसको ओवरग्रिपिंग बोलते हैं। एक ऊपर नीचे दोनों सुइयां ऊपर नीचे कितने बजे होते हैं, तो ये दो बातें होते हैं। विपरीत दिशा का मतलब है एक सुई इधर और एक सुई इधर, और जब दोनों सुइयां बिल्कुल एग्जैक्ट विपरीत होती है तो ये 180 डिग्री का कोण होता है। तो विपरीत दिशा को हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है, जबकि एक दिशा का मतलब है दोनों सुइयां ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे है जब या तो 0 डिग्री का कोण है या फिर 360 डिग्री का, क्योंकि अंदर तो 0 डिग्री हो गया और इसके बाहर 360 डिग्री हो गया, तो इसको 0 या 360 डिग्री बोलते हैं एक दिशा। मैंने बताया था कि 7 के सामने, 8 के सामने, 9, 10, 11, 12, इसके सामने एक होता है, इसके सामने 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। एक बात ध्यान रखनी है कि एक घड़ी है, ठीक है, तो एक घड़ी में क्या ध्यान रखोगे कि दोनों सुइयां 12 घंटे, टोटल 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती है, और 12 घंटे में 11 बार एक दिशा में होती है, यानी कि ऊपर नीचे होती है। अब एक बार कब नहीं होती, एक दिशा में होती है, और एक दिशा में कब नहीं होती है, इसमें ध्यान रखो कि दोनों सुइयां विपरीत दिशा में 6 बजे होती है, यानी कि 5 और 7 के बीच में दोनों सुइयां 6 बजे विपरीत दिशा में होती है, यानी कि ये टोटल 5 से 6 और 6 से 7, हर घंटे में एक बार होती है, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार होती है, तो ये 12 घंटे में 11 बार होती है, 1 और 2 के बीच में भी, 2 और 3 के बीच में भी, 3 और 4, 4 और 5। मोटी बात यह है कि 5 और 7 जो 2 घंटे हो गए, इनमें केवल एक बार 6 बजे होती है, तो यहां 12 घंटे में 12 की बजाय 11 बार होती है। तो ये पूछेंगे कि कब नहीं होती, तो तुम्हें क्या कहना है कि 5 और 7 के बीच में केवल एक बार होती है 6 बजे। उसी तरह एक दिशा में 11 और 1 के बीच में, 11 और 1 के बीच में केवल एक बार 12 बजे होती है, यानी कि 11 और 12 के बीच में और 12 और 1 के बीच में ये केवल एक बार 12 बजे होती है, तो 12 घंटे में ये 12 बनना होकर के 11 बार होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन जैसे पुटअप करेंगे, क्वेश्चन जैसे ऐसे करेंगे कि 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में दोनों सुइयां, अब समय पूछेंगे दोनों सुइयां विपरीत दिशा में, एग्जैक्ट विपरीत दिशा में कब होती है।
या पूछेंगे कि सात और आठ के बीच में, सात और आठ के बीच में एग्जैक्ट एक दिशा में कब होंगे, अति व्यापन कब होंगे, आच्छादन कब होंगे। अब ये दोनों बातें की बात है। अब सुनो, जैसे मान लो एक घड़ी है, ये घड़ी है, यहां 12 बज गए, यहां 6 बज गए, 1, 2, 3, 4, 5, यहां 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब मैं कहूं कि 8 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में ये अण दोनों का एक ऐसे समय होता है जब दोनों सुइयां बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाए, ठीक है। तो 8 के सामने तो क्या है, 2 होता है, 8 के सामने 2 होता है, पर 8 और 2 एग्जैक्ट विपरीत दिशा में, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन जब 8:10 होंगी तो घंटे की सुई 8 बनना आ रहा कि नोकी साइड चली जाएगी, तो 8:10 का समय तो गलत है। तो ये 8:10 के बाद में 11 हो सकती है, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, जब भी विपरीत दिशा का समय बनाना हो तो 12/11 गुणा ये पहले वाले समय की मिनट बनानी, पहले वाले समय का सामने 8 के सामने क्या है 2, और सुई 2 पर है तो कितनी मिनट बोलेंगे, 5 × 10, तो 12 × 120/11, 11 × 11, उसके बाद क्या बच गया 1, 10 × 10/11 मिनट, यानी कि बजाना पहले वाला है, आंसर देना है 8:10/11 पर एग्जैक्ट 180 डिग्री कोण। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो, विपरीत दिशा का समय बनाने के लिए पहले वाले समय के सामने देखकर उसकी मिनट बनाकर 12/11 से गुणा किया जाता है। दैट इज एक, ये एक मेथड होता है। पहले वाले समय के सामने देखकर उसकी मिनट बनाकर 12/11 से गुणा किया जाता है, और बजाना पहले वाला है क्योंकि दूसरा बजा देंगे 9 बजा देंगे तो ये 8 9 की बजाय 9 10 का समय हो जाएगा। और एक ही दिशा आच्छादन अतिव्यापन और लिपिंग ऊपर नीचे, ये इसके लिए 12/11 तो याद रखना है, पर इसमें पहले वाले की मिनट बनानी है, 7 की मिनट बनाओ, 7 × 5 = 35, इसकी मिनट बनानी पहले वाले की, विपरीत में तो पहले वाले के सामने देखना है, और एक ही दिशा में पहले वाले की मिनट बनानी है, 35 × 350 और 35 × 70 420, 420/11, 11 × 33 बच गए कितने 9, 33 11 × 33 कितने बच गए 9 बच गए 11 × 88 38 × 2/11 मिनट पर, इसमें पहले वाला बजाना है 7:38 × 2/11 मिनट पर, बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया। तो इसमें यह ध्यान रखना है, पहले वाले की मिनट बनानी है एक दिशा के लिए, विपरीत दिशा के लिए क्या करना है, पहले वाले के सामने देखकर और उसकी मिनट बनानी। ठीक है, एक क्या होता है कि 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार समकोण बनती है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण, उसमें विपरीत दिशा में 180 डिग्री था और एक दिशा में 0 डिग्री या 360 डिग्री था, उसको एक ही दिशा बोलते हैं, और समकोण को 90 डिग्री का कोण बोलते हैं, इसको समकोण भी बोलते हैं। 22 बार, 12 घंटे में 22 बार, तो एक दिन का मतलब है कि 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे में दोनों सुइयां 44 बार समकोण पर होते हैं, 44 बार 90 डिग्री का कोण बनते हैं, ठीक है। समकोण इसको हम 90 डिग्री भी बोलते हैं, और इसको न सरल कोण 180 डिग्री को बोलते हैं, इसको लंब कोण बोलते हैं, लंबवत, लंब कोण, सरल कोण नहीं बोलते इसको।
सरल कोण तो 180 डिग्री होता है, ऋजु कोण, सरल कोण, ये तो 180 डिग्री होता है। अच्छा अब 12 हर घंटे में दो बार बनाती है, पर 12 घंटे में 22 बार बनाने की बजाय 24 बार क्यों ना बनाती। तो ये ध्यान रखना है कि हर घंटे में दो बार बनाती है, मैक्सिमम एक घंटे में दो बार बनाती है, पर कब नहीं बनाती है, ये तीन और जो पांच है, दो घंटे है, तीन और पांच है, दो घंटों में चार बार बनानी चाहिए, लेकिन ये तीन बार बनाती है। चार और छह, तो ये तीन बार बनाते हैं, तीन और पांच है, ये है तीन और पांच नहीं, ये दो और चार है, सॉरी दो और चार के बीच में ये तीन बजे बनाते हैं सिंपल, तीन बजे, तो ये तीन बार बनती है सिर्फ, यानी चार बजे बनती है। और एक बार है आठ और दस के बीच में, आठ और दस के बीच में, तो ये नौ बजे संपूर्ण पर होती है, तो यहां भी ये तीन बार बनती है, तो एक ये कम हो गया, एक यहां दो घंटे में कम हो गया, और एक यहां, तो इसलिए ये 12 घंटे में 22 बार बनाते हैं, ठीक है। अब बनाना समकोण पर समय पूछेंगे, किसी भी कोई भी समय लेके मैं कहूं कि सात और आठ के बीच में, सात और आठ के बीच में समकोण पर कब होती है, या मैं कहूं कि चार और पांच के बीच में समकोण पर कब होती है, क्योंकि मैंने बताया है कि हर घंटे में दो बार बनाती है, तो यहां भी दो ऑप्शन निकलेंगे, यहां भी दो ऑप्शन निकलेंगे। तो एक बात ध्यान रखना है कि घंटा माइनस तीन और गुणा साठ बटे ग्यारह, ये सूत्र याद रखना है। अब चूंकि सात और आठ के बीच में तो दो बार हो गई, तो घंटा में से तीन घटाए, घंटा में से पहले बार लेना है, घंटा में से तीन घटाए, एक बार घंटे में तीन जोड़ा जाता है, तो अब ये दो बार बनाएंगे, तो दो पर कैसे पूछेंगे एग्जाम में, सात और साढ़े सात के बीच में कब बनेगा, या फिर कहें कि साढ़े सात से आठ के बीच में कब बनेगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सात और आठ के बीच में। तो घंटा यदि तीन घटाओगे जब, तो साढ़े से पहले वाला बनेगा, अगर तीन जोड़ेंगे तो साढ़े के बाद वाला बनेगा। अब जैसे घंटा सात लेता हूं मैं, सात में तीन घटाएंगे, चार गुणा साठ बटे ग्यारह, 240 बटे ग्यारह, 11 दूनी 22, तो 21 सही 9 बटा 11, बजाना पहले वाला ही है, 7 बजकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट, तो एग्जैक्ट नंबर डिग्री को, तो ये 21 मिनट है, ये साढ़े से पहले वाली है, यदि यहां 21 के बाद होता, ये घंटा में तीन जोड़ते तो ये साढ़े के बाद वाला समय, तो या तो ऐसे अलग अलग पूछ सकते हैं, या फिर एक ही पूछेंगे तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, या दोनों देंगे तो ऑप्शन दोनों आंसर देना है, कि ये भी सही है ये भी सही। अब घंटा में यदि तीन जोड़ोगे तो सात जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे तो सात और तीन दस, ये आ गया 600 बटे 11, तो ये आ गया 11, 11, 11 दो 11 पंच 55, पांच बजकर 11 चौका 44, चौवन से 6 बटे 11, यानी कि 7 बजकर चौवन से 6 बटे 11, ये जो 54 मिनट है ये साढ़े के बाद बढ़े, तो एक बार तो साढ़े से पहले बढ़ता है और एक बार साढ़े के बाद, ठीक है। इसमें लिखना विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा एक दिशा और समकोण, ये दोनों सुइयां कब होंगी, ठीक है।